नया इसमें क्या, एक तो हॉर्स पावर ज़्यादा है, बैकअप टॉर्क ज़्यादा है, 6 साल 6000 घंटे की वारंटी है। इसमें ELS इंजन है, एक्स्ट्रा लार्ज स्ट्रोक वाला इंजन है, जिससे क्या पावर ज़्यादा मिलता है। वो जब महिंद्रा के थ्रेशर के साथ रहता है, इसका PTO पावर और बैकअप टॉर्क बहुत ज़्यादा है। उससे जैसे आम भाषा में बोले तो ये मौसम नहीं तोड़ता है, और PTO थ्रेशर मेनली जो है वो PTO से ही काम करता है, तो इसका PTO HP है वो ज़्यादा है, तो उससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। काम करने फास्ट काम करके देता है, चलने में फास्ट है, हंके जोते में फास्ट काम करता है अपना, जो अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले अपने को जो 2 घंटे में होता है, इससे 1 घंटे में अपने काम करके दे सकते हैं। इसमें डीजल से कम 1.5 लीटर/घंटे के हिसाब से डीजल की बचत होती है। जो थ्रेशर है ये 35-40 HP का थ्रेशर है, जिसको चलाने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि महिंद्रा में ऑलरेडी PTO पावर ज़्यादा ही आता है, इसीलिए महिंद्रा के ट्रैक्टरों को थ्रेशर का बादशाह बोला जाता है। और थ्रेशर की ये खासियत है कि इसमें सफाई अच्छी होती है, हॉलेज डायरेक्ट हो जाता है, सीधे अनाज का भंडारण हो जाता है। इसके बाद इसकी ये खूबी है कि इसको 2 ही लोग चला सकते हैं, तो ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो किसान को कम लगानी लगानी पड़ती है, उससे उनको ज़्यादा आमदनी मिलती है। इसमें अभी टुकड़ी कट भी नहीं आ रही धान की, कोई सा ही धान निकालो टुकड़ी नहीं आ रही है। टुकड़ी होने में अपने को कम से कम 1 क्विंटल पे 200 से 300 रुपये घटा जाता है, इसमें एक भी अपने कण नहीं मिलेगा टूटा हुआ। इसमें आम ट्रैक्टर की तुलना में कोई किसान लेके जाएगा और भाड़े पे चलाएगा तो ये 300 घंटे ज़्यादा चलाएगा, तो उसकी आमदनी 3 लाख रुपये ज़्यादा बढ़ेगी। थ्रेसर से ये फ़ायदा है कि एक तो अपने फास्ट काम निकालेगा, एक डीजल की बचत भी होगी, डीजल की बचत के अलावा अपने समय कम लगेगा, तो अपने यहाँ निकालने के बाद कहीं और जाके निकालेंगे तो अपने को वो फ़ायदा, पैसे का फ़ायदा ही मिल जाएगा, दूसरे को निकाल के देंगे वो फ़ायदा मिलता है। इसमें जो अन्य जो 10 बोरी निकालता है तो ये 20 बोरी निकाल के देता है अपने गेहूँ। जो इसका सर्विस अंतरालय है वो 350 घंटे पे, और अन्य ट्रैक्टरों का 250 घंटे पे, तो उनको जो साल में अन्य ट्रैक्टर 4 सर्विस करवाते हैं, इसमें 3 ही करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसको सर्विस का वो भी फ़ायदा मिलेगा। इसमें कांस्टेंट मेश गियर दिए हैं, तो जैसे कार में हम जैसे गियर चेंज करते हैं, वैसे ही महिंद्रा में ट्रैक्टर में भी कार जैसी टेक्नोलॉजी है, तो गियर शिफ्ट करने में उसको एकदम मक्खन जैसे होता है और ज़्यादा हाथों पे एफर्ट्स नहीं लगता है। और इसमें पावर स्टीयरिंग जो है वो ड्यूअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, जिससे किसान को या उनके ड्राइवर को चलाने के लिए हाथों पे लगने वाले जोर को कम करता है। वो मजबूत है, वो जानदार, अपने को फायदा सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है इससे। इसकी जो अनाज निकलने की कैपेसिटी है वो 1 टन/आवर है, और डीजल में है तो डीजल का तो महिंद्रा का कोई तोड़ ही नहीं है, माइलेज में शानदार ही है वो। और ये ट्रैक्टर जो भी लेगा XP+, उससे खेती के अंदाज को बदल देगा, और उससे अल्टीमेटली उनके जीवन के अंदाज का तरीका बदल जाएगा। खेत में कितनी गहरी जुताई करोगे तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये ट्रैक्टर चल रहा है कि बिल्कुल आराम से चलता है, एकदम फास्ट चलेगा, और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल आप कहीं बैठे हो आराम से। थ्रेशर में तो पावर भी PTO रहता है, रोटावेटर का भी काम बढ़िया करेगा वो, कोई भी काम रहेगा वो, इसीलिए इसको बोलते हैं खेती का ऑलराउंडर ट्रैक्टर है ये।